So guys, आप सबको जैसा कि पता है कि मेरे पास अभी दो गाड़ी है, ठीक है। एक है मेरा बाइक अपाची और एक है फोर व्हीलर जो कि है सिलेरियो मारुति का। तो दोस्तों ये दो गाड़ी मेरे पास अभी ऑलरेडी है और मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि नया बाइक लेने का, जो कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, ब्लॉग भी देखा होगा, लेकिन नया बाइक लेने के लिए मुझे लगता पैसा, और इस टाइम मुझे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि अभी घर उर का भी काम चल रहा है। तो फाइनली क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है, आप लोग फिर चेहरे से देख सकते हो, क्योंकि अभी मुझे फ्री में एक बाइक दे रहा है सीनू। ये देखिए ये देखिए R15 V3 ना सर जी, तो, के लिए है ये, मैं लेकर के आया हूँ। तो अभी सीनू ये मुझे करेगा गिफ्ट, मेरा लॉटरी लगा था गाइस तो 20 लाख का, उसके बाद मैं सर को ये बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये वाला बाइक आप लोग देखो कितना ज्यादा कूल है, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो भी डाल देंगे। तो अभी ये नया वाला बाइक जो है सीनू लेकर आया है मुझे देने के लिए, तो चलिए पहले इसमें थोड़ा सा चलाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं आगे कि ये बाइक मुझे पसंद आ रहा है या नहीं। अगर पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न लेके जाना घुमा के, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, लेके आए मना कर दीजिएगा। मेरे पे सूट करेगा तो ना, इतना हैवी गाड़ी है। मेरा अपाची मेरे लिए परफेक्ट लगता है, फिर भी देखते हैं चला के, अगर सूट करेगा अच्छा लगेगा तो इसको रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा अभी गाड़ी को चलाते हैं और थोड़ा घूम के भी आते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करके आते हैं, भूख लगा, उसके बाद आगे आप लोगों से बात करते हैं ब्लॉग पे। सो कैसा लग रहा है पोस्टर? खींचना पड़ेगा ये सर जी के, बहुत ज्यादा है। चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं मार्केट। जब यहाँ हम लोग इडली और सांभर खाने, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है इडली सांभर। चलिए वहाँ पे पहले खाते हैं, भूख लगा है सीनू को भी और हमको भी, खा के फिर आप लोगों से बात करते हैं। सब बनाएगा तो हमारा रेडी हो रहा है इडली। तो गाइस आ गया है हमारा इडली सांभर, तो चलिए खा के थोड़ा बताते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, टेस्ट बताते हैं। वैसे तो डेली खाते हैं ये। कैसा है इडली? फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, पहले सांभर खाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। चलिए खा के मिलते हैं। सो गाइस हम लोगों ने इडली सांभर बड़ा खा लिया, पेट एकदम हो गया रेस्ट, अब आ रहा हूँ मजाना से। बहुत मजा आ रहा है, भूख से एकदम। मेरे घर से ज़्यादा दूर में नहीं था वो ठेला, बहुत ज़्यादा सामने था। अभी सीनू कर रहा राइड, मस्त गाड़ी दे रहा है सीनू। हम मेरा अपाची ले लेगा ना क्या? नहीं, फोर व्हीलर सोच रहे लेंगे। मेरा फोर व्हीलर लेगा तब ये वाला गाड़ी देगा, ये बताओ। मजाक कर रहे हैं। तो चलिए अभी घर चलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं अब घर। ये रहा बाइक, बड़ा ही जहर, कतई जहर नशे में। तो चाबी दो, लगा हुआ है, चाबी लगा हुआ है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि सीनू लिया है ये वाला बाइक, ठीक है। कितना दिन हो गया लिया हुआ? एक सप्ताह हो गया। और ये बाइक मिला था बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडीशन में और बहुत अच्छा प्राइस में। कितना चला था किलोमीटर? मात्र 6000 चला हुआ था, मात्र 6000 किलोमीटर चला हुआ था। एकदम गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, एकदम न्यू है, धुलाया नहीं है, वैसे को वैसे ये फिर भी ऐसा दिख रहा है। और ये बाइक मेरा हो गया इसे, वजह ये है क्योंकि सीनू आता है मेरा घर सुबह 9 बजे और घर जाता है शाम में 7 बजे, पूरा दिन भर यहीं रहता है।
गाड़ी तो मेरा दुआरी में ही लगा हुआ रहेगा, मान लीजिए मुझे कुछ काम पड़ा था हम ही तो लेके जाएंगे, क्या सीन मेरा रहे चैन कर रहे तो इनडायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो कि गाड़ी मेरा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टाइटल डाला था कि ये गाड़ी जो है सीनू गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट तो कर ही दिया है, अभी चाबी भी लगा हुआ है जा रहे हम, ठीक है, आइए घूम करके आइए। तो चलिए अभी फिलहाल घर जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि अभी घर का काम कितना दूर हो रहा है, ठीक है, वो भी आप लोग को थोड़ा सा क्विक अपडेट दे देते हैं। तो गाइज अभी देख सकते हैं अभी बेडरूम का यहाँ पर पुट्टी होना शुरू हो चुका है, अभी ये सेकंड लेयर चल रहा है, अभी थर्ड लेयर होगा फिर कलर होगा, और टाइल्स भी पूरा फिट हो चुका है ये देखिए, और दो विंडो। तो ये है हमारा स्पेशल बेडरूम, पूरा रेडी होने के बाद आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, अभी फिलहाल यहाँ पर पुट्टी का काम हो रहा है। अभी कितना अच्छा लगने लगा, सिर्फ व्हाइट पुट्टी हुआ, अभी कलर बाकी है, फिर यहाँ पे लगेगा बेड, सोफा, टीवी। विशाल कैसा लग रहा रूम? मस्त दिख रहा, अभी मस्त दिख रहा, बाद में कि अभी कितना दे। अभी बनने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे फिर। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार फिर आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल अभी पुट्टी उट्टी काम हो रहा है, अभी टाइम लगेगा उन्हें। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम का, ठीक है, सीनू घर चला गया और अभी है मेरे साथ कार्तिक। तो अभी हम लोग आए हैं मार्केट, क्योंकि दोस्तों आज है धनतेरस, तो अभी मार्केट में जो सीन है एकदम नज़ारा वो गजब का है, ये देख सकते हो दीप, ये सब बहुत कुछ बिक रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो अभी हम लोग उधर से आए हैं, थोड़ा मार्केटिंग करने ही आए हैं, शाम का टाइम है, कुछ ले लेंगे दीपावली का, ठीक है, चाउमीन खाना है ना, तो चाउमीन भी खा ली और मार्केटिंग भी कर लेंगे, पार्सल भी ले लेंगे। कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है देखिए मार्केट में, बहुत सारा छोटा छोटा दुकान लगा हुआ है हमारे इधर, आप लोग का वहाँ क्या सीन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, हैप्पी धनतेरस सभी को। तो चलिए अभी कुछ यहाँ पे, हाँ सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं, इनके पास पेट्रोल भी है, पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे निकलेंगे, और कुछ सामान भी लेना है, दीप उप लेंगे फिर जाएंगे घर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दीप और ये देखिए मूर्ति वूर्ति बहुत सारा चीज़ें हैं, तो कुछ ले लेते हैं, पहले घर निकलते हैं ये सब ले करके, ठीक है, चलिए कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग। रात का टाइम हो चुका है और मेरा सोने का टाइम हो चुका है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मिल्क पी रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो गाइज आज का ये ब्लॉग जो है ऐसे ही मैंने कैजुअली रैंडमली मतलब प्ले करके बना लिया था, ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे भी। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग आज का जो है मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आई तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप लोग क्योंकि अपडेट्स मिलता रहता है, मेरा यूजर नेम है मनोज23 या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ। चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।